रांची के उर्मांझी प्रखंड में हेसातु गांव की बिमला देवी, पूनम देवी जैसे अन्य महिलाएं अलग अलग समस्याओं से जूझ रही हैं। इस गांव में आंगनबाड़ी सेविका नियमित नहीं रहती है। हेसातु में दूसरे पंचायत की सहिया आती है। जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली नगद राशि पिछले 2013-14 का भी अभी तक नहीं मिला है। और मांझी प्रखंड में ममता वाहन असुरक्षित वाहन ऑटो है। इस सभी परिस्थितियों के कारण यहाँ की महिलाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ का समस्या सबसे तो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी से ही समस्या है। जब देखते हैं तो खाली साइकिल रहती है, खाना वाना बनाती है और सेविका नहीं रहती है यहाँ पर। गाँव वाला कोई बोले तो लोग बोलती है, बोलने से थोड़ा हम लोग से मतलब पटांग बोलती है, इसीलिए हम लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं। तो गाँव वाला का मजबूती अगर रहे तो यहाँ सेविका या सेविका अच्छा काम करेगी, आंगनबाड़ी अच्छा से चलेगा। इसमें तो गांव का सबसे ज़्यादा भागीदारी रहना चाहिए, लेकिन सेविका और सेविका चुना गया है कि कम से कम बच्चा लोग को ला करके बढ़िया से खिलाएं, बढ़िया से रखें, पढ़ाएं, समय से उसको अच्छा पोषण, अच्छा उसका देख रेख की करें, जो सरकार दे रही है हर गाँव में कि सबका समस्या दूर हो और बच्चा मानसिक और तंदुरुस्त शारीरिक स्वस्थ रहे। इसलिए आपको जो प्रेग्नेंट थे आप उस समय कौन बुलाने आता था आपको? और ममता वाहन ना आया था? नहीं। क्या से गए थे तब आप? ऑटो से अपने। अरे तो उसका भाड़ा भी तो मिलता है, यदि आप गाड़ी अपने से करते हैं तो उसका अलग से आपको भाड़ा मिलेगा। वो मिला था? नहीं कुछ नहीं। और ममता वाहन का है नहीं बुलाया? उसका नंबर नहीं ना था, सहिया भी हम लोग का यहाँ पर नहीं है, तो उसका सहिया है ना वहाँ पर, तो उसका नंबर भी नहीं था फोन करने के लिए। अब 12 बजे रात को तो किसके अथी करेंगे, इसीलिए अपना गाड़ी लेके गए थे। आपका वजन सब हुआ आज? नहीं हुआ आज कुछ नहीं, पेशाब जान चुका है, कुछ नहीं। प्रोत्साहन राशि मिलता है वो मिलता है तो उसको आजकल तो खाता द्वारा है, खाता जमा कर देते हैं, लेकिन अब ये गलत है हॉस्पिटल वाला से नहीं भेजता है आजकल, बहुत दिन से पैसा नहीं भेजा है। कितना दिन हो जाता है? 2013 में भी कराए हैं डिलीवरी, 14 में भी कराए हैं, इधर 15 में भी कराए हैं, पैसे नहीं दिया। बोलते हैं मैनेजर को जाकर तो बोलती है कि भेज दिए हैं, चल जाएगा, बैंक का अकाउंट नहीं चढ़ाता होगा, ऐसे कर बैंक भेजते हैं तो बैंक भी नहीं चढ़ा रहता। इस गांव के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, पर भी अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। अतः आप सभी वीडियो देखने वालों से मेरा विनम्र अपील है कि बदलाव के लिए समस्या को गंभीरता से लेते हुए रांची के सिविल सर्जन को 9431359400 पर कॉल करें और दबाव डालें। मैं निर्मला, रांची झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।